नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की। देहरादून से खबर है जहां दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। देर शाम तक दिल्ली से देहरादून वापस लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के घर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और सल्ट सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी का निधन हुआ था। आकस्मिक निधन से सुरेंद्र जीना परिवार में शोक है और सांत्वना और संवेदना व्यक्त करने के लिए दिल्ली गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो सांत्वना और संवेदना व्यक्त करने के लिए दिल्ली गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देर शाम तक दिल्ली से देहरादून वापस लौट जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दिल्ली में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के घर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सल्ट सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी का निधन हुआ था। फहीम थिना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, दिल्ली गए हुए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है वहां पर? देखिए, अभी तो जो मुख्यमंत्री का घोषित कार्यक्रम है वो यही है कि वो विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के आवास पर जाएंगे और परिवार शोक संतृप्त परिवारजनों से मिलेंगे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लौटेंगे। लेकिन कही जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे इस विजिट में आज की, और राज्य की विकास योजनाओं के संदर्भ में, क्योंकि आने वाले दिनों में अनुपूरक बजट और फिर अगले बजट की भी तैयारी होनी है, फिर कुंभ भी चल रहा है, कुंभ से जुड़ी हुई चीजें जो तैयारी चल रही है उनसे कई विभागों से संबंधित वो चीजें हैं उसमें। तो बहुत हद तक संभावना है कि मुख्यमंत्री किन्हीं केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करके लौटेंगे। हालांकि अभी निर्धारित तौर पर घोषित नहीं किया गया है कि वो किन से उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो वो कई कार्यक्रमों को साथ लेकर के जाते हैं, तो लिहाजा राज्य और केंद्र के मध्य जो विषय है उनमें कई विषयों में संभावना रहती है। तो लिहाजा आज भी काफी हद तक संभावना जिस तरीके से माना जा रहा है कि वो योजनाओं को लेकर के भी कुछ मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद फहीम आपका तमाम जानकारी के लिए। अब सीधा रुख करेंगे देवरिया, जहां यूपी में उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे हुए हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे जनसभा को संबोधित करते हुए। लेकिन आपने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तमाम अन्य राजनीतिक दलों को देखा होगा, उनके लिए परिवार ही देश है, परिवार ही समाज है, और परिवार के बाहर दृष्टि उनकी नहीं जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2014 में जब प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिषेक होता है, इस देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना समर्थन और सहयोग दिया और प्रधानमंत्री बनते हैं, तब उन्होंने कहा था मैं इस देश की राजनीति की धुरी को बदलूंगा। जो देश की योजनाओं का लाभ परिवार को, जाति को, मत और मजहब के आधार पर देने की एक कुत्सित मंशा 1947 के बाद से कांग्रेस ने और आज के विपक्षी दलों की सरकारें जब थी तब तो उन्होंने प्रारंभ की थी, उस धुरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। उन्होंने कहा नहीं, इसका लाभ गरीब को मिलना चाहिए, इसका लाभ किसान को मिलना चाहिए, इसका लाभ गांव में जाना चाहिए, इसका लाभ नौजवानों को मिलना चाहिए और योजनाओं का सही हकदार तो समाज का प्रत्येक तबके का हर नागरिक इसका हकदार है। इसमें हम विकास सबका करेंगे लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, विकास सबका। और तभी उन्होंने मंत्र दिया था सबका साथ सबके विकास का। आपने देखा होगा सामान्य रूप से तो कार्य हो ही रहा था, जब दुनिया कोरोना से अपने आप को बचाव कर रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के जो लोग अन्य राज्यों में रह रहे थे, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्या हर
देश के अंदर चाहे वह कोटा से अपने छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का कार्य हो रहा हो या प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों को सुरक्षित उनके घरों को भेजने का कार्य रहा हो या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक एक व्यक्ति को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उनके लिए राशन की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के साथ ही बिहार, बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों के लोगों को भी राहत देने का कार्य करने का कार्य किया गया। ये कार्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे लिए तो जनता जनार्दन की सेवा केवल चुनाव का माध्यम नहीं बल्कि आपदा आएगी तो आपदा से फिरते हुए भी हम अपनी जनता की सेवा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा हर एक गरीब को राशन दिया गया, हर एक प्रवासी कामगार को राशन के साथ साथ भरण पोषण भत्ता दिया गया, हर एक पटरी व्यवसायी को भरण पोषण भत्ता दिया गया, पल्लेदार कुली को भरण पोषण भत्ता दिया गया और साथ साथ महिलाओं के जनधन अकाउंट में 500 रुपए हर महीने देने की व्यवस्था की गई, किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया गया, उज्ज्वला योजना में जितने भी लाभार्थी थे उनको निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा महिला पेंशन धारकों को 1,000 रुपए के साथ साथ अग्रिम पेंशन की राशि भी उनके अकाउंट में देने का कार्य किया गया था। भाइयों बहनों, ये कार्य सफलतापूर्वक करने के बाद आज आप देश के अंदर देख रहे होंगे सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश। की जितनी आबादी है किसी भी अन्य राज्य की आबादी उसकी आधी आती है, लेकिन उस सबके बावजूद कोरोना ने सबसे अच्छा परिणाम भी उत्तर प्रदेश ने दिया है आप सबके आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से। हम लोगों ने दिन रात एक किया, हमने कहा हमारी जनता परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम बीमारी से भी बचाएंगे लेकिन साथ साथ राहत का कार्य भी उसी मुस्तैदी के साथ करेंगे। मैं इस अवसर पर प्रशासन ने, कोरोना वॉरियर्स ने सेवा की जो विशाल प्रस्तुत की उसका स्वागत करता हूं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन को लक्ष्य लेकर के जो अभियान चलाया मैं उसका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर भाइयों बहनों मैं वही एहसास कराने के लिए आपके पास आया हूं। ये कार्य केवल कोरोना के दौरान नहीं हुआ, इससे पहले आप याद करिए देवरिया की पहचान देवभूमि के रूप में होती है। पूज्य बाबा महर्षि देवरा बाबा की पावन साधना स्थली रही है, उनके नाम पे कोई स्थान नहीं था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में उनके आश्रम में कब्जा करने का प्रयास हुआ था और बाबा को यहां से जाने यहां से देव वृंदावन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन आज देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने देवरिया में किया है। देवरिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे लिए जनता ही सब कुछ है और कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है। तो जिस तरीके से लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं बीजेपी को लेकर कि वंशवाद है, जातिवाद है, लेकिन बीजेपी सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए ही काम करती है, राष्ट्रवाद को अपनाकर ही विकास की ओर देश के लिए अग्रसर है। तो ये सभी बातें अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देवरिया में इस वक्त मौजूद हैं जहां उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया, सरदार पटेल की जयंती पर यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया गया।
सीएम ने थाना पोखरी को बेस्ट थाने का अवार्ड भी दिया, यानी कि बेस्ट थाने का अवार्ड दिया गया है थाना पोखरी को। सरदार पटेल की जयंती का ये दिन हम सबको एकता का संदेश देता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संदेश में ये बातें कहीं संबोधित करते हुए कि सरदार पटेल की जयंती का ये दिन हम सबको एकता का संदेश देता है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरा देश मनाता है। तो देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया, सरदार पटेल की जयंती पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई बड़े पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया और सीएम ने थाना पोखरी को बेस्ट थाने का अवार्ड भी दिया। तो सरदार पटेल की जयंती का ये दिन हम सबको एकता का संदेश देता है, ये बातें कहते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित भी किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है, पहले हम उनको श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश की एकता और अखंडता के लिए उनके याद को हम स्मरण करते हैं, उनको चिरस्थायी बनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश को अगर एक रहना है, एक रखना है, तो ऐसे महापुरुषों का संदेश और उनका जो योगदान है उसको हम याद करते हैं। उसी स्मृति के रूप में आज यहाँ पर अपने राज्य के पुलिस बल के कुछ जवानों को भी सम्मानित किया गया, रैतिक परेड यहाँ पर हुई है, और उन तमाम जवानों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, चाहे जो सर्वश्रेष्ठ थानों में हमारा पोखरी थाना हो या अग्निशमन के हमारे जो कर्मचारी थे या जिन्होंने बहुत अच्छी पड़ताल की है, ऐसे सबको हम आज सम्मानित करते हैं। देखिए आज सरदार वल्लभ भाई हरिद्वार से खबर है, जहां अचीवर्स मिलिट्री एकेडमी का स्थापना दिवस मनाया गया, कई खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। मिलिट्री से रिटायर राजकुमार सिंधु दे रहे हैं बच्चों को ट्रेनिंग। तो कई खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है और झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। मिलिट्री से रिटायर राजकुमार सिंधु भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हरिद्वार में अचीवर्स मिलिट्री एकेडमी की स्थापना दिवस मनाया गया। गेम्स का उद्घाटन भी था और मुझे बड़ी खुशी मिली इस पूरे क्षेत्र के और खासकर तुंगा सहारनपुर मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ पर आए हैं, और क्योंकि गेम्स से बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ यह मिलिट्री एकेडमी बच्चों को फोर्स में भेजने के लिए प्रेरित करती है, उनको इस लायक बनाती है कि बच्चे सहज पूर्वक भर्ती हो जाए और फिर भर्ती के बाद भी बच्चे वहां जा करके अपना और अपने क्षेत्र का और अपने देश की। सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, आज अचीवर्स मिलिट्री एकेडमी का स्थापना दिवस मनाया गया, कैसी तैयारी रही, कैसा कार्यक्रम रहा? बिल्कुल, एचयूएस मिलिट्री एकेडमी का आज यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया गया। वार्षिक उत्सव बड़ा ही कम संख्या में लोगों को बुलाया गया था यहाँ पर, और इसमें खेलों का उद्घाटन किया गया। इसमें लक्सर के विधायक देशराज कर्णवाल ने उनको रिबन काटकर उस पर मुहूर्त किया। इसके चलते लगातार पिछले 2 साल से ये एकेडमी काम कर रही है। जो मिलिट्री में लोग भर्ती के लिए जाते हैं, जो छात्र जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनके द्वारा यहाँ से बच्चों के जो है जॉब के लिए बड़ी उनको हेल्पफुल फायदा हो रहा है जी। सुमित, ऐसे कौन कौन से खेल है जिनका उद्घाटन आज किया गया और अब तक कौन कौन से खेलों को बच्चों को सिखाया जा रहा था? जैसे कि अभी आपने बताया कि मिलिट्री से रिटायर यहाँ पर जो लोग हैं वो बच्चों को गेम सिखाते हैं, खेल सिखाते हैं, और इसी में मिलिट्री से रिटायर राजकुमार सिंधु भी हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं।
बिल्कुल यहाँ पर बच्चों को जो मिलिट्री में जो फौज में भर्ती के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो तो दी जाती है, उसके साथ यहाँ पर जो खेलों का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर क्रिकेट अकेडमी भी, क्रिकेट भी लोगों को बच्चों को सिखाया जाता है, उसके साथ साथ वॉलीबॉल है, जो दौड़ की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी उनको बताया जाता है किस तरह से अपनी फिजिकल को फिट कर किया जा सकता है और आगे भविष्य के लिए भी खेल के लिए भविष्य में किस तरह से अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जी सुमित, बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा गया? बिल्कुल बच्चों में उत्साह देखा गया, क्योंकि जब हम वहाँ पहुंचे वहाँ पर देखा कि जो दो साल के अंतर जो बच्चे जो फौज में जो भर्ती हुए उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे उनके तो उन्होंने भी जब उनको बताया तो उनको मोटिवेशन किया, क्योंकि जो भविष्य में जो फौज के लिए जो बच्चे जाते हैं उनके अंदर भी उत्साह भरा गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। मसूरी में सेना के सम्मान और चाइना निर्मित सम्मान के बहिष्कार को लेकर मसूरी से 300 किलोमीटर बाइक रैली निकाली गई। रैली को विधायक गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इससे पहले तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश जोशी का धार्मिक पटाखा डालकर स्वागत किया। इस मौके पर तिब्बत समुदाय के लोग दलाई हिल पहुंचे जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने बताया कि सेना के समर्थन और चाइना निर्मित सामानों के बहिष्कार को लेकर मसूरी से तवांग तक मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। राज्यसभा से हमारी सरकार ने पास किया है वो किसानों के हित में है, विशेषकर जो 85% किसान जो छोटा व मझला किसान है जिसका शोषण हो रहा था, आज अगर वो अपनी फसल को, उदाहरण के लिए मसूरी का किसान अगर यहाँ के उत्पाद को दिल्ली बेचना चाहता है दिल्ली बेच सकता है, देश के किसी अन्य भाग में बेचना तो बेच सकता है, देहरादून में चाहता है वहाँ बेच सकता है, सीधा खरीदकर्ता से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। और हमारे कांग्रेस के, विशेषकर हमारे कांग्रेस के मित्र जिनके अपने घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था कि हमारी सरकार आएगी तो बिल को हम लाएंगे, आज जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का उसका लाभ मिलने वाला, अधिकांश किसान इसके पक्ष में है, जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस बिल के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि सेना के सम्मान में और साथ ही चाइना निर्मित सामान के बहिष्कार को लेकर 300 किलोमीटर मसूरी से ये बाइक रैली निकाली गई है। रैली को विधायक गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इससे पहले तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश जोशी का धार्मिक पटका डालकर स्वागत किया और इस मौके पर तिब्बत समुदाय के लोग दलाई हिल भी पहुंचे जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने बताया कि सेना के समर्थन और चाइना निर्मित सामानों के बहिष्कार को लेकर मसूरी से तवांग तक मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। अरे सर, अरे सर, 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 हेलो, हेलो, जय भारत, जय तिब्बत, जय भारत, जय तिब्बत। त्योहारों को लेकर जहां मिलावटखोरी का धंधा फल फूल रहा है, वहीं पौड़ी में खाद्य सुरक्षा का जिम्मा संभाले खाद्य निरीक्षक लंबे समय से ड्यूटी से गायब हैं। खाद्य निरीक्षक की ड्यूटी से नदारद रहने पर जिले की खाद्य सुरक्षा बिना छापेमारी के भगवान भरोसे चल रही है। ऐसे में जिला प्रशासन अब खाद्य निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। जिला प्रशासन खाद्य निरीक्षक को कई बार ड्यूटी पर लौटने की चेतावनी दे चुका है, लेकिन फिर भी खाद्य निरीक्षक प्रमोद रावत ड्यूटी पर नहीं लौट रहे हैं। जब हम पौड़ी में पूछते हैं तो कहते हैं रुद्रप्रयाग है, और जब रुद्रप्रयाग पूछा जाता है तो कहते हैं पौड़ी में। और लगातार जो है क्षेत्र में जो मिलावटी सामान बिकने की शिकायतें हमको प्राप्त होती रहती हैं। जब भी हम इनको ना ही उन्होंने आज तक, मतलब कोरोना लॉकडाउन के बाद जब से हमारी कोर्ट चल रही है, ना ही उन्होंने कोर्ट में ज्वाइन किया और ना ही जो है क्षेत्र में है, और उनके तीन जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो भी नदारद। लगातार इसका इनको संज्ञान लेते हुए इनको चेतावनी दी गई है कि आप अपने काम पर लौटिए, सारे लोग काम कर रहे हैं और आप भी जो है विधिवत, जो जैसे त्योहार का सीजन आ रहा है, सघन छापेमारी करिए, वो रिपोर्ट हमको दिखनी चाहिए, लेकिन इनका अभी तक कुछ वो दिख नहीं रहा। तो मुकेश बचाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, आखिर खाद्य निरीक्षक प्रमोद रावत ड्यूटी से नदारद क्यों है, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, जो हमने उनसे संपर्क करने की बात की थी मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया, मगर लंबे समय से जब भी हमने कोई खाद्य से संबंधित कोई खबर चलाई है मगर उनका बयान सामने नहीं आ पाया है। और इसी को मद्देनजर आज अपर जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ठीक है, कब से वो गायब है, कब से ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं? मैं पहले बताना चाहूंगा कि उनमें दो जिलों का प्रभाग उनको दिया गया है, पौड़ी जिला और रुद्रप्रयाग जिला उनके पास है। मगर जो अपर जिलाधिकारी का कहना है कि जब उनसे बात की जाती है कि वो कहाँ पे हैं तो वो दूसरे जिले की बात कहकर अपनी कन्नी काट लेते हैं। मगर जो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से बात हुई थी उन्होंने कहा कि वो उनके जिले में भी मौजूद नहीं है, इसलिए अब कार्रवाई करने की बात अपर जिलाधिकारी ने कही है। ठीक मुकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 2 नवंबर से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी शुरू होगी, गंभीर और सामान्य मरीजों को अब राहत मिलेगी। एम्स ऋषिकेश में ओपीडी शुरू हो चुकी है, सचिव स्वास्थ्य ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। ओपीडी शुरू करने को लेकर तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। तो ओपीडी सेवा अब शुरू होने वाली है, गंभीर और सामान्य मरीजों को अब राहत मिलेगी। 2 नवंबर से सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी और गंभीर और सामान्य मरीजों को अब राहत मिलेगी। तो खुशखबरी मरीजों के लिए, लोगों के लिए, एम्स ऋषिकेश में ओपीडी सेवा शुरू हो चुकी है, सचिव स्वास्थ्य ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, ओपीडी शुरू करने को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।